IAS और IPS की नौकरी करने का सपना हर व्यक्ति देखता है। उसकी चाहत रहती है कि वो भी महत्वपूर्ण पदों पर नौकरी करें, लेकिन सभी की ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो वहीं कई लोगों की ये इच्छा पूरी भी होती है। हमारे देश में एक से बढ़कर एक IAS ऑफिसर हैं। IAS ऑफिसरों में कुछ ऐसी IAS और IPS अफसर शामिल हैं जिनकी खूबसूरती बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइन को फेल कर देती है। आइए आज हम आपको ऐसी कुछ खूबसूरत IAS IPS मिलवाने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती के आप कायल हो जाएंगे। इसमें पहला नाम है पहली DGP बनने वाली IPS अधिकारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य का। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने 1973 और 2007 के बीच IPS अधिकारी बनी थी। कंचन हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य से हुई। इन्हें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति पदक और राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। हाल ही में कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अगला नाम है मीरा बोरवणकर का। मीरा बोरवणकर 1981 बैच के IPS अफसर हैं। इनके पिता BSF में थे। ये पंजाब से ताल्लुक रखती हैं। इन्हें लोग लेडी सुपर कॉप के नाम से जानते हैं। मीरा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जालंधर में हुई। अपने करियर में उन्होंने दाऊद इब्राहिम जैसे गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही 1994 में जलगांव में इन्होंने एक सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश भी किया था। वहीं अगला नाम है साल 2017 बैच के IPS अधिकारी सिम नवजोत का, जो पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली हैं। इनका जन्म दिसंबर 1987 में हुआ था। नवजोत सिमी के संबंध में कहा जाता है कि इनकी कार्यशैली और लुक सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी रहती है। वहीं अगला नाम है मेरिन जोसेफ का, जो साल 2012 में UPSC की परीक्षा पास करके IPS अधिकारी बनने वाली केरल कैडर में सबसे कम उम्र की IPS अधिकारी हैं। इन्होंने ये सफलता 25 साल की उम्र में हासिल कर ली थी। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री प्राप्त करके IPS बनी। इनके पिता कृषि मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार और माँ अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। वहीं अगला नाम है रिजू बाफना का। 2014 बैच की IPS अधिकारी रिजू बाफना का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 2011 में मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। 2013 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करके इन्होंने 77वीं रैंक हासिल की थी। वहीं अगला नाम है टीना दाबी का। टीना दाबी ने हाल ही में अपनी दूसरी शादी की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले उनकी और प्रदीप की पहले दोस्ती हुई, उसके बाद दोनों करीब आ गए। ये सब कोविड की दूसरी लहर के दौरान हुआ। उस वक्त दोनों राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में एक साथ काम कर रहे थे। साथ काम करते करते दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गईं और दोस्ती प्यार में बदल गई।